So hello everybody, I'm Riyadhara Shivastra. Welcome to this webinar organized by DigiSaccom on mutual fund aspects and also future prospects of mutual fund industry. हम लोग इसमें मिक्स लैंग्वेज यूज करेंगे, इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करते हुए विद मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स हिंदी क्योंकि दैट इज अवर मदर टंग. और इसके इसके हम इसको स्टार्ट करें, देयर आर सर्टेन रूल्स हैं. पहला तो ये कि आप सब अपने माइक म्यूट पे रखेंगे और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आपकी जो भी क्वेरीज हैं, उसको आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, टाइप इट देयर, और एंड ऑफ सेशन पे एक एक करके सभी क्वेरीज का आई विल रिप्लाई. आज का सेशन हमारा म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या करियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं उस पर है. और आज के समय में जबकि पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है और वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो ऐसा लगता है कि वर्क फ्रॉम होम अब सिचुएशन नॉर्मल होने पर भी इट विल बिकम ए पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ. और हम आपको जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं म्यूचुअल फंड का, इसमें आप पाएंगे कि अगर आप म्यूचुअल फंड के एडवाइजर बनते हैं तो उसमें भी आप वर्क फ्रॉम होम बहुत आसानी से कर सकते हैं, फंड्स मोबिलाइज घर पे बैठे हुए कर सकते हैं. यू आर सिटिंग इन दिल्ली नोएडा बट यू कैन मोबिलाइज फंड्स फ्रॉम मुंबई और एनीवेयर इन द कंट्री. क्यों? क्योंकि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी एक अपने एडवाइजर्स को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसकी बेस पर आप घर बैठे हुए आप अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं. आज का हमारा सेशन जो है वो हम उसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं क्योंकि हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन देंगे कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड है क्या. दूसरा, म्यूचुअल फंड में करियर के क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं फॉर एवरीवन हु इज जॉइनिंग म्यूचुअल फंड, और एडवाइजर बनने के लिए क्या करना है, जैसे कि NISM का MFI सर्टिफिकेशन एग्जाम को पास करना होता है. दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट, पूरा सेशन हमारा इस पे है. और थर्ड पार्ट होगा योर क्वेश्चन आंसर सेशन, आपके जो भी क्वेश्चन हैं उसका हम प्रेजेंटेशन के बाद एक एक करके हर एक क्वेश्चन का हम जवाब देंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या. इसके लिए हमारा एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन है, हम उसको समराइज फॉर्म में आपके सामने रखते जाएंगे कि म्यूचुअल फंड है क्या. यू नो म्यूचुअल फंड इज ए टूल ऑफ इन्वेस्टमेंट. मार्केट में बहुत से इन्वेस्टमेंट के टूल्स अवेलेबल हैं, बैंक डिपॉजिट है, उसमें सेविंग्स बैंक है, फिक्स डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स है, स्टॉक मार्केट इक्विटी है, डेट मार्केट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड की स्कीमें भी हैं. म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री इंडिया में बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है. आई कैन से कि इंडिया में इट इज ओनली 30 ईयर्स ओल्ड. हालांकि पहली स्कीम US 1964 में UTI ने लॉन्च किया था, बट इट वॉज मोर ऑफ ए यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान. म्यूचुअल फंड में प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर की एंट्री 1986 के आसपास ही हुई है. तो जैसा हम देख रहे हैं, म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट का टूल है, जिसमें कि स्मॉल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. इवन इफ दे गॉट 1,000-2,000 रुपीज दे कैन इन्वेस्ट. और म्यूचुअल फंड में हर एक तरह की स्कीमें होती हैं, चाहे वो इक्विटी ओरिएंटेड हो, चाहे डेट ओरिएंटेड हो, या दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसे कि हम बैलेंस फंड भी कहते हैं. इतने ढेर सारे ऑप्शन म्यूचुअल फंड में इसलिए रखे जाते हैं कि जो हमारा इन्वेस्टर है वो उसका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उसको मैच कराते हुए उस स्कीम को वो चूज कर सकता है. और जो हमारे जैसे आप लोग हैं, आप लोग अगर अपना कैरियर चूज करते हैं, यू विल बी ज्वाइनिंग म्यूचुअल फंड एज एडवाइजर, या यू विल बी ज्वाइनिंग बैंक एज रिलेशनशिप मैनेजर या मार्केटिंग ऑफिसर, ये क्या होगा. ये तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि इन्वेस्टर की चॉइस को मैच कराते हुए हर एक हमारी म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीमें होती हैं, और इन्वेस्टर की चॉइस डिपेंड्स अपॉन हिज एज, डिपेंड्स अपॉन हिज इनकम प्रोफाइल, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है. अब हम बात करते हैं, जैसे हमने बात किया कि म्यूचुअल फंड जो है वो स्मॉल इन्वेस्टर से
फंड्स को मोबिलाइज करने का एक रास्ता है, एक जरिया है। म्यूचुअल फंड स्कीम कैसे ऑपरेट करती है? एक यूनिट 10 रुपए की होती है, 10 रुपीज की होती है। दैट मीन्स अगर कोई इन्वेस्टर किसी स्कीम में 1000 रुपए लगा रहा है तो उसको 100 यूनिट अलॉट की जाएंगी, यानी टोटल यूनिट अलॉटेड मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय दैट पर्टिकुलर कस्टमर आर इन्वेस्टर। और इसकी एनएवी हम इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में या एमफी की वेबसाइट पे या किसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर भी देखा होगा कि किसी भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को हम उसके नेट एसेट वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं। हम ये बात कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड स्कीम होती क्या है। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट का टूल है, डिपॉजिट का टूल है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग स्मॉल इन्वेस्टर्स। कोई आदमी इक्विटी में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, और अगर आपकी एमआरएफ या किसी बड़ी कंपनी का शेयर परचेज करना चाहते हैं तो एक यूनिट परचेज करने के लिए भी यू नीड लॉट ऑफ मनी। मगर म्यूचुअल फंड स्कीम में इवन ए स्मॉल इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट। जैसा हमने देखा कि डिपॉजिटर्स के सामने, कस्टमर के सामने या इन्वेस्टर के सामने इन्वेस्टमेंट के बहुत से ऑप्शन होते हैं। बैंक डिपॉजिट है, सेविंग्स बैंक, फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम्स हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है, स्टॉक मार्केट की इक्विटी स्कीम है, या डेट मार्केट में लगाना चाहता है तो वो है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है। उसके साथ ही साथ म्यूचुअल फंड भी है। म्यूचुअल फंड भी एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। और इस इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप। जैसे हमने कहा स्टॉक मार्केट में सिर्फ इक्विटी में लगा सकते हैं या डेट मार्केट में सिर्फ डेट में लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड की स्कीमें हर तरह की स्कीम ऑफर करती हैं, उनकी इक्विटी स्कीम भी होती है, डेट स्कीम भी होती है, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। कॉम्बिनेशन मीन्स बैलेंस फंड। जो हम इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं उसको म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में भी लगाते हैं, थोड़ा पोर्शन डेट में लगाते हैं। ये स्कीम के ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये हम आगे इसको शेयर करेंगे आपसे, क्योंकि हर एक स्कीम लॉन्च होने के पहले वो इन्वेस्टर को बता देते हैं कि स्कीम किस तरह के लॉन्च होगी। शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि हर टाइप, हर प्रोफाइल के इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड के पास स्कीमें होती हैं। अगर प्रोफाइल मीन्स एज वाइज, जिनकी एज कम होती है दे आर मोर एग्रेसिव, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, इन्वेस्टर थोड़ा सेफ प्ले करना चाहता है, तो यंग एज का आदमी इक्विटी में ज़्यादा लगाना चाहता है तो म्यूचुअल फंड के पास इक्विटी की स्कीमें भी हैं। अगर फैमिली की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो फिर थोड़ा एक रिटर्न चाहता है तो ही इज मोर इन्वेस्टर इज मोर ओरिएंटेड टूवर्ड्स डेट फंड, तो म्यूचुअल फंड के पास डेट स्कीम भी हैं। जैसे जो जो स्कीमें हैं अभी हम इसको आपसे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा सेशन इस समय तो करीब 40-45 मिनट्स का है। और आप अपनी क्वेरीज, आई अगेन रिपीट, आप अपनी क्वेरीज पोस्ट करते जाइएगा, जो कि सेशन के बाद हम आपको इसका रिप्लाई करेंगे। आई अगेन रिपीट, इस सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है इसकी आपको जानकारी देना इन ए वेरी ब्रीफ। अदरवाइज म्यूचुअल फंड इज ए वेरी वाइड सब्जेक्ट। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको 10 से 12 घंटे में हम आपको पूरे म्यूचुअल फंड में ट्रेन करेंगे। और क्यों? क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है, इफ यू वांट टू बिकम म्यूचुअल फंड एडवाइजर या किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को एज मार्केटिंग ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एमफी का सर्टिफिकेशन पास करना होता है। उसके लिए हम आपको थोड़ा सा म्यूचुअल फंड का भी ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड कैसी स्कीमें ऑपरेट करती हैं, हमने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड की एक यूनिट 10 रुपए की होती है, यानी अगर कोई इन्वेस्टर 1000 रुपए किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में लगाना चाहता है तो उसको 100 यूनिट अलॉट की जाएंगी। एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपए है, 1000 में मतलब 100 यूनिट उसको दी जाएंगी। और किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम की परफॉर्मेंस हम जज करते हैं उसके नेट एसेट वैल्यू से, एनएवी। आपने पेपर में या एमफी की वेबसाइट पे या किसी भी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर देखा होगा कि स्कीम की एनएवी डिक्लेयर की जाती है कि जो हमने 10 रुपए वो एनएवी
यूनिट के रेफरेंस में बताते हैं कि अगर 10 रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं तो आपकी वैल्यू क्या हो गई है। यानी अगर एनएवी 12 रुपए है, दैट मींस कि जो हमने 10 रुपए लगाए थे उसकी वैल्यू 1200 हो गई है, सॉरी 12 रुपए हो गई है। हमने जो 1000 रुपए टोटल इन्वेस्ट किए थे उसकी वैल्यू 1200 यानी 1200 रुपए 1200 रुपीज हो गई है। और म्यूचुअल फंड में जो जो भी स्कीम में पैसा आता है फ्रॉम ऑल द इन्वेस्टर्स उसको हम कहते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट, AUM। अब अगला सवाल ये आता है कि जब मार्केट में इतनी स्कीमें मौजूद हैं, बैंक का डिपॉजिट है जिसमें रिटर्न फिक्स्ड है, स्टॉक मार्केट है जो बूमिंग टाइम में बहुत अच्छी रिटर्न दे जाएगी, तो उसके बावजूद हम कोई भी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों लगाएगा? पहला इसका जवाब है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो हमारे म्यूचुअल फंड होता है उनके पास अपने टेक्निकली क्वालिफाइड फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि उनको पूरी टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद, स्टॉक मार्केट की रिसर्च करने के बाद, टेक्निकली रिसर्च करने के बाद वो इन्वेस्टर के पैसे को मार्केट में लगाते हैं। अगर हम सीधे स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा कोई भी इन्वेस्टर तो उसके पास उतनी नॉलेज नहीं है, वो किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन में हो या जॉब में हो, फाइनेंशियल सेक्टर में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो, बिजनेसमैन हो, उसके पास न इतना टाइम है न इतनी नॉलेज है कि वो किसी स्टॉक के बारे में स्टडी कर सके। तो वो अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है तो हर्ड मेंटेलिटी को, हर्ड मेंटेलिटी मींस भेड़ चाल कि लोग जहां ज्यादा पैसा लगा रहे हैं वहीं पे वो भी लगा देता है पैसा। आई विल नॉट कॉल इट कि इट इज ए प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड के पास एडवांटेज है प्रोफेशनल मैनेजमेंट का कि जो भी इन्वेस्टर, उसे भले ही स्टॉक मार्केट की जानकारी न हो, अगर वो किसी म्यूचुअल फंड, किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में पैसा लगा रहा है तो उनके जो फंड मैनेजर हैं जो कि टेक्निकली क्वालिफाइड हैं वो ठोंक बजा करके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिस सिक्योरिटी में या इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। नंबर टू, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अगर हमारे पास सिर्फ 1000 रुपए हैं तो अगर हम, हो सकता है कि हम मार्केट में सिर्फ एक ही कंपनी का शेयर खरीदें, मगर अगर हमने 1000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए तो म्यूचुअल फंड उसको डिफरेंट स्कीमों में, क्योंकि उनके पास तो बल्क में पैसा आ रहा है, 100 करोड़ 200 करोड़ का उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है जो भी उन्होंने फंड मोबिलाइज किया है, तो वो डिफरेंट इक्विटीज में पैसा लगा रहे हैं, डिफरेंट कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं, तो हमारे 1000 रुपए उसी रेशियो में उन कंपनीज में लगे हुए हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मींस कॉस्ट सेविंग। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कोई भी इन्वेस्टर पैसा लगाता है तो उसकी कॉस्ट सेविंग होती है। आई अगेन रिपीट कि अभी हम आपको ब्रीफ में ये बता रहे हैं कि व्हाट इज ए म्यूचुअल फंड, और उसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स, क्योंकि जब तक आप म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं समझेंगे तब तक आप इसमें अपना कैरियर बनाने की नहीं सोच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि हम जब पैसा चाहें हमें तुरंत 1-2 दिन के अंदर पैसा मिल जाए। दिस हैपेंस इन म्यूचुअल फंड। ऑनलाइन रिडेम्पशन होता है, इन्वेस्टर ने अपनी रिक्वेस्ट भेजी, ECS के थ्रू, NEFT के थ्रू उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है। देन देयर आर टैक्स सेविंग स्कीम्स। म्यूचुअल फंड में टैक्स सेविंग स्कीम भी होती हैं, हम आगे इसको देखते हैं। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम होती है जिसमें 3 साल के लिए अगर इन्वेस्टर अपना पैसा लॉक इन करता है तो सेक्शन 80C में उसको टैक्स रिबेट मिलती है। अब हम इस पे बात करते हैं कि फंड कितने तरह के होते हैं। मोटे तौर पे अगर हम टेन्योर के लिहाज से देखें, क्योंकि हम उसको कई एंगल से देखेंगे, टाइप क्या है, इन्वेस्टमेंट पैटर्न के एंगल से क्या है, और ड्यूरेशन के लिहाज से, तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो म्यूचुअल फंड ऑपरेट करते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड फंड मींस वंस एक बार वो ओपन हो गए तो दे विल ओपन फॉर ऑल टाइम्स टू कम, उसमें सेल और रिपर्चेज हमेशा चलती रहेगी, कोई इन स्कीम का बंद करने का कोई टाइम फ्रेम नहीं है। क्लोज एंडेड स्कीम क्या होती है म्यूचुअल फंड की, वो एक फिक्स पीरियड के लिए होती है, से इट इज ओपन फॉर 5 ईयर्स, तो
5 साल के पीरियड के बाद स्कीम वाइंड अप हो जाएगी और इन्वेस्टर को जो लास्ट एनएवी है उस पे उसको पैसा मिल जाएगा, और इन्वेस्टर बीच में उस स्कीम का सेल परचेज डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से नहीं कर सकता। हालांकि क्लोज एंडेड फंड की लिस्टिंग स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंजेस एनएससी और बीएससी पर होती है। आजकल हमें देखेंगे कि जितने भी मेजॉरिटी ऑफ स्कीम जो है वो ओपन एंडेड है। जैसा मैंने कहा कि 1986 के आसपास जब म्यूचुअल फंड इंडिया में पॉपुलर होना शुरू हुआ था, क्योंकि यूटीआई के यूएस 1964 के बाद अगला जो म्यूचुअल फंड मार्केट में आया था, इट वाज 1986, वो स्टेट बैंक का था। आई वाज टॉकिंग अबाउट ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड्स। 1986 में जब म्यूचुअल फंड ने अपने पैर जमाने शुरू किए हमारे देश में इंडिया में, तो क्लोज एंडेड फंड्स ज्यादा पॉपुलर थे। मिड 90s में 95-96 के आसपास ओपन एंडेड फंड्स की पॉपुलरिटी बढ़ी, और आज के समय में 2020 आते आते मेजॉरिटी ऑफ फंड्स आर ओपन एंडेड, मींस दे आर ओपन फॉर ऑल टाइम्स। इन्वेस्टर जब चाहे उसमें सेल कर सकता है, जब चाहे नई यूनिट्स को परचेज कर सकता है। अब फंड के मैनेजमेंट के एंगल से हम ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है पैसिवली मैनेज फंड। पैसिव मींस एक बार अगर फंड मैनेजर ने पैसा लगा दिया तो वो उसको पोर्टफोलियो चर्निंग नहीं करता। पोर्टफोलियो चर्निंग का मतलब ये होता है कि एक स्टॉक से निकाल करके दूसरे स्टॉक में पैसा लगाना। हम जो हैं, जो हमारा फंड मैनेजर है, पैसिव मींस वो जो बीएसई की इंडेक्स है, बीएसई सेंसेक्स या निफ्टी है, उसके लिहाज से वो उन्हीं टॉप 30 या टॉप 50 फंड में पैसा लगाता है एंड ही वेट्स कि अगर इंडेक्स ऊपर जाएगी तो हमारी जो रिटर्न है वो इंडेक्स रिलेटेड होगी। एक्टिवली मैनेज फंड्स, दे आर मोस्टली इक्विटी फंड्स, जिसमें कि पैसा जो हमारी म्यूचुअल फंड कंपनी है वो स्टॉक मार्केट में लगाती है विद एम कि हम अपने इन्वेस्टर को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे सके। तो जहां पर उनको लॉस हो रहा होता है वहां से वो विड्रॉ करके दूसरी कंपनी में पैसा लगाते हैं, दैट इज एक्टिवली मैनेज फंड्स। अब अगला है म्यूचुअल फंड को हम उनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के एंगल से हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं। जैसे हमने पहली बार कहा था कि हर एक इन्वेस्टर का अपना अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। कुछ चाहते हैं कैपिटल प्रिजर्वेशन, जितना हमने लगाया है आज के चेंजिंग सिनेरियो में, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज वेरी वोलाटाइल, कोई ना कोई सिचुएशन हमेशा आती रहती है जिससे कि एकदम टॉप पे पहुंची हुई स्टॉक मार्केट डाउन हो जाती है, दैट इज नोन एज बबल्स। जैसे 2008 में आया, उसके पहले 1992 में हर्षद मेहता स्कैम था, फिर केतन पारिक स्कैम, कि मार्केट पीक पे पहुंच के डाउन होती है। तो इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में लगाता है पैसा, उसके सामने चार ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला है कैपिटल प्रिजर्वेशन, कि भाई जितना पैसा हमने लगाया उतना तो पहले बचाया जाए, तो दे गो फॉर डेट फंड्स। या दूसरा है कैपिटल एप्रिसिएशन, कि हमने जो इन्वेस्ट किया है उस पर हमें एक अच्छी रिटर्न मिले, एक डिसेंट रिटर्न मिले। इस टाइप के इन्वेस्टर इक्विटी स्कीम में ज्यादा लगाना चाहेगा। तीसरा है रेगुलर इनकम, जो रिटायर्ड लोग हैं या जो हाउस वाइफ हैं, उनको लगता है कि हमारी जो हमने पैसा लगाया है मार्केट में म्यूचुअल फंड में, हमें फिक्स्ड लेवल पे, फिक्स्ड इंटरवल पर हर महीने या क्वार्टरली एक इनकम होती रहे, दैट इज नोन एज रेगुलर इनकम स्कीम। कई म्यूचुअल फंड की मंथली इनकम स्कीम भी लॉन्च है, जिसमें कि वो इन्वेस्टर को हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट वो पे करते रहते हैं। देन फोर्थ पॉइंट इज लिक्विडिटी, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लिक्विडिटी का, कि लिक्विडिटी मींस कि जब हम पैसा चाहें तुरंत हमें पैसा मिल जाए। यस दिस इज आल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड। देन अब हम बात करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी होता है। आपने स्टैट्यूटरी वार्निंग, जहां भी म्यूचुअल फंड आते हैं वहां पर 2-3 स्टैट्यूटरी वार्निंग होती है। स्टैट्यूटरी वार्निंग क्या होती है, जैसे ना
Number one, mutual fund investments are subject to market risk. No return is guaranteed. Past performance is not indicator of future return. तो अब हर एक इन्वेस्टर को मार्केट में इन्वेस्ट करने के पहले, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले उसको ये पता होना चाहिए कि वो किस टाइप का रिस्क ले रहा है। तो हमने ये आपके सामने जो स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा है, इसमें लोएस्ट हमने बॉटम से स्टार्ट किया है, लो रिस्क, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं रिस्क बढ़ता जाता है। और ये इन्वेस्टर को पहले से पता होता, क्योंकि हमारी ये स्कीम की टाइप्स है। जैसे लिक्विड फंड है, लिक्विड फंड में एक्चुअली यू नो रिस्क इस पे डिपेंड करता है कि हमने इन्वेस्टर से पैसा ले करके उसे कहाँ पे इन्वेस्ट किया है। स्टॉक मार्केट में लगाया है तो रिस्क ज्यादा होगा, डेट फंड में लगाया है तो रिस्क कम होगा, मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक रिटर्न इज फिक्स्ड। ट्रेजरी बिल्स दे आर ऑलवेज नोन एज रिस्क फ्री। सॉवरेन बॉन्ड्स, क्योंकि ट्रेजरी बिल्स आर फ्लोटेड बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं करेगी। तो लिक्विड फंड में हम पैसा लगाते हैं, तो जैसा हमने कहा कि जो आपके सामने चार्ट दिख रहा है इसमें बॉटम टू अप हम जाते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट पैटर्न को दिखाता है कि हम पैसा किस कहां पे हम इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। लो रिस्क में लोएस्ट रिस्क इज इन लिक्विड फंड स्कीम्स, जहां पर की पैसा जो है वो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में लगाया जा रहा है। उसके बाद गिल्ड फंड्स टोटली गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाते हैं, ट्रेजरी बिल्स 91 डे 182 या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। अगर थोड़ा और ऊपर जाएं डेट फंड मींस कि जो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर की बॉन्ड्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जिन बॉन्ड्स को फ्लोट करते हैं, म्यूचुअल फंड पब्लिक से पैसा लेकर के अपने इन्वेस्टर से पैसा लेकर के उनमें लगाते हैं, दैट इज नोन एज डेट फंड। डेट फंड में क्या होता है कि कौन से फंड डेट फंड कहलाते हैं, अगर टोटल इन्वेस्टमेंट का 85% इज इन्वेस्टेड, 85% और मोर इज इन्वेस्टेड इन डेट मार्केट, देन दिस फंड इज नोन एज डेट फंड। रिमेनिंग 15% स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट में लगाया जाता है। इसके बाद अगला है हाइब्रिड फंड्स, हाइब्रिड और बैलेंस फंड्स। हाइब्रिड मींस दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट। थोड़ा पैसा हम इक्विटी में लगाते हैं, थोड़ा सा पैसा डेट मार्केट में लगाते हैं। हाइब्रिड में भी दो तरह के होते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड और डेट ओरिएंटेड बैलेंस फंड। इक्विटी ओरिएंटेड में क्या होता है, 65% या उससे ज्यादा पैसा इक्विटी में लगाया जाता है और रिमेनिंग 35% डेट में लगाते हैं। डेट ओरिएंटेड बैलेंस फंड में इसका उल्टा हो जाता है, 65% डेट में लगाया जाता है, 35% हम इक्विटी में लगाते हैं। इसके ऊपर जाएं, देयर इंडेक्स फंड्स, जैसा हमने आपको बताया पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज में होती है। इंडेक्स फंड मींस कि जो BSE 30 या निफ्टी के स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड उसी में पैसा लगाते हैं। तो इंडेक्स, जिस रेशियो में इंडेक्स बढ़ेगी या गिरेगी उसी रेशियो में हमारे फंड की NAV भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होगी। इसके ऊपर जाए, इट इज इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड दैट मींस 85% ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टेड इन इक्विटी, रिमेनिंग 15% जो है वो हमारा इन्वेस्ट होता है डेट में। और इसके ऊपर थीमेटिक और सेक्टर फंड होते हैं। पहले हम सेक्टर फंड की बात कर लें। सेक्टर फंड मींस कि पैसा किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, IT सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, दीज आर सेक्टर्स। अगर हमने कहा कि हम अपनी स्कीम में पैसा बैंकिंग सेक्टर में लगाएंगे, तो पब्लिक से जो भी फंड मोबिलाइज किया गया वो सिर्फ बैंकिंग कंपनीज के स्टॉक में ही इन्वेस्ट होगा। अगर उनका है IT सेक्टर, तो जो पब्लिक से पैसा लिया गया टोटल जितनी भी IT की कंपनी है उसी में इन्वेस्ट करेंगे और कहीं नहीं इन्वेस्ट करेंगे। थीम में क्या होता है, थीमेटिक फंड में किसी पर्टिकुलर सेक्टर में हम एक थीम ले लेते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा में क्या क्या, सीमेंट है, आयरन है, स्टील है। तो अगर उन्होंने थीम लिया सीमेंट,
मींस जितने भी सीमेंट की कंपनीज हैं वो पैसा उन्हीं में लगाया जाएगा. तो दिस वाज अबाउट डेट इक्विटी एंड हाइब्रिड फंड्स. आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप चैट बॉक्स में उसको पोस्ट करते जाइए, दैट वी विल अटेंड. लिक्विड स्कीम, लिक्विड फंड्स के बारे में हम इसको आपसे डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं. इक्विटी फंड में भी सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड हम डिस्कस कर लिए हैं और मार्केट कैप के लिहाज से भी इन्वेस्ट करते हैं. लार्ज कैप, कैप का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन. किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन इज उसका करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कि मार्केट में फ्लोट हो रहा है. तो बेस्ड ऑन दिस म्यूचुअल फंड लार्ज कैप स्टॉक या मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक उसको पहले से इन्वेस्टर को डिक्लेयर कर देते हैं कि हम इस पर्टिकुलर लार्ज कैप में या मिड कैप में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे. और फिर एक बार जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव उनका हो गया उससे वो चेंज, वो डेविएट नहीं कर सकते. अब अगला है ELSS, दिस इज अनदर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड. जैसा हमने आपसे कहा था म्यूचुअल फंड की टैक्स सेविंग स्कीमें भी हो सकती हैं. जनवरी फरवरी मार्च के महीने में दे आर हाईली इन डिमांड. जो हमारे एडवाइजर्स होते हैं या जो हमारे म्यूचुअल फंड के मार्केटिंग ऑफिसर्स होते हैं दे आर वेरी बिजी मोबिलाइजिंग फंड्स इन इक्विटी लिंक सेविंग्स स्कीम. ये इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में इन्वेस्ट होती है और लॉक इन पीरियड इसका 3 ईयर्स होता है. 3 ईयर्स के पहले इन्वेस्टर इसमें से पैसा नहीं विड्रॉ कर सकता. हाइब्रिड फंड आप हम आपसे डिस्कस कर लिए हैं, बैलेंस फंड, मंथली इनकम. ये तो था डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स. अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर क्या होता है. इसमें मोटे तौर पर देखें तो एक स्पॉन्सर होता है, एक ट्रस्टी होता है, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है. सबसे पहले स्पॉन्सर, स्पॉन्सर मीन्स वो फाइनेंशियल कंपनी जो किसी भी म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करती है. नॉर्मली इंडिया में मोस्टली बैंक स्पॉन्सर्ड म्यूचुअल फंड होते हैं, चाहे वो HDFC बैंक स्पॉन्सर HDFC म्यूचुअल फंड है, ICICI बैंक का स्पॉन्सर्ड ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है, स्टेट बैंक का स्पॉन्सर्ड SBI म्यूचुअल फंड है. तो स्पॉन्सर मीन्स वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो म्यूचुअल फंड को स्टार्ट कर रहा होता है. अब इसके बाद स्पॉन्सर अपॉइंट करता है ट्रस्टीज को. यू नो ये सबसे बड़ा सेफ्टी नेट होता है म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रस्टीज, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज. स्टॉक मार्केट में या डेट मार्केट में कहीं भी ट्रस्टीज का नाम नहीं आता है. ट्रस्टीज का रोल होता है दे इंश्योर कि इन्वेस्टर के फंड को कहीं और डाइवर्ट न किया जाए. दे इंश्योर नंबर वन सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टर्स फंड्स एंड नंबर टू कि जो फंड मैनेजर्स हैं वो स्कीम के ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ही फंड को इन्वेस्ट करें मार्केट में. तो दे आर ट्रस्टीज. जैसे हमने एक म्यूचुअल फंड का एग्जांपल दिया SBI म्यूचुअल फंड, उसका स्पॉन्सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ट्रस्ट इज नोन एज SBI म्यूचुअल फंड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड जो मार्केट में इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्टर से पैसे लेकर के. ऑपरेशंस मीन्स बैक ऑफिस ऑपरेशंस. और अगला है मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं तो ये आपका रोल स्टार्ट होता है. यू हैव टू मार्केट आइदर एज ए बैंक ऑफिसर और म्यूचुअल फंड कंपनी ऑफिसर और इवन एज ए डिस्ट्रीब्यूटर दैट इज एजेंट और एडवाइजर. अब बात आती है रेगुलेटर्स की. ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हाउ स्ट्रांग म्यूचुअल फंड इज इन इंडिया. नॉर्मली हर एक के आप कोई भी प्रोडक्ट देख लो सबका एक ही एक रेगुलेटर होता है. बैंक का रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इंश्योरेंस कंपनी का IRDA है. म्यूचुअल फंड एक अकेला ऐसा मार्केट में प्रोडक्ट है या ऐसी कंपनी है, ऐसी इंडस्ट्री है जिसके दे आर सो मेनी रेगुलेटर्स. इट इज वेरी टाइटली रेगुलेटेड. SEBI क्योंकि ये इनके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होती है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्योंकि मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स आर बैंक स्पॉन्सर्ड. देन कंपनी लॉ बोर्ड, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज,
क्योंकि ये पब्लिक से पैसा लेकर के ये स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस एंड टॉप ऑफ इट ऑल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो म्यूचुअल फंड इन इंडिया आर वेरी टाइटली रेगुलेटेड. अब इसके बाद हम बात करते हैं, दिस वॉज इन ए वेरी ब्रीफ, वेरी वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट म्यूचुअल फंड इन इंडिया. अब हम बात करते हैं एम्फी. एम्फी का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया. ये एक संस्था है जो कि 1995 में बनाई गई और इसका तीन ऑब्जेक्टिव था. नंबर वन, इन्वेस्टर एजुकेशन, कि हम अपने इन्वेस्टर्स को एजुकेट करते रहें. इसके लिए टाइम टू टाइम इवन रूरल एरिया में भी एम्फी अपने प्रोग्राम करती है. नंबर टू, इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट प्रोटेक्शन. एंड नंबर थ्री, म्यूचुअल फंड की किसी को भी, किसी कंपनी को प्रॉब्लम होती है तो वो सेबी के सामने उनके केस को प्रेजेंट करती है. अब एक और रोल है एम्फी का, एस एंड अग्नि, एम्फी कोड ऑफ एथिक्स. एथिक्स, जैसा हम सब जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए या इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए कुछ एथिक्स होते हैं, और एम्फी ने उन एथिक्स को, चाहे वो म्यूचुअल फंड की कंपनी हो, चाहे रजिस्ट्रार हो, चाहे उनका एजेंट हो, एडवाइजर हो, बैंक हो, कोई भी हो, सबके लिए उन्होंने कोड ऑफ एथिक्स बना दिया है कि हमें इन इन नियमों का हमको पालन करना है, इसके बियॉन्ड हमें नहीं जाना है, दिस इज फेयर प्रैक्टिस. इसके अलावा उनका है गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडियरीज. इंटरमीडियरीज कौन हुए? ब्रोकर्स हुए, एजेंट्स हुए, उनके लिए भी एम्फी ने अलग से गाइडलाइन बनाई है. इन गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ही हम अपने इन्वेस्टर से फंड्स मोबिलाइज करेंगे, कोई गलत इंफॉर्मेशन दे करके हम उनसे फंड नहीं मोबिलाइज करेंगे. तो कोड ऑफ एथिक्स और नॉर्म्स फॉर गाइडलाइंस इंटरमीडियरीज के लिए, दैट इज अनदर वेरी प्लस पॉइंट फॉर सक्सेस ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया. उसके बाद ऑफर डॉक्यूमेंट, ये तो बड़ा, इसको कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने के पहले ऑफर डॉक्यूमेंट को पढ़ता है. NFO स्टैंड्स फॉर न्यू फंड ऑफर. और ऑफर डॉक्यूमेंट के दो पार्ट होते हैं, सीड और साइड. सीड में स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, इसमें स्कीम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो दी जाती है. और स्टेटमेंट साई इज स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ स्टेचुटरी कि हमारी म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर कौन है, ट्रस्टीज कौन है, डायरेक्टर कौन है, हमारा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब होता है. अब हम आपको पिछले 10 साल में, जैसे मैंने कहा कि इंडिया में म्यूचुअल फंड का बहुत ज़्यादा पुराना हिस्ट्री नहीं है, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर्स. तो अगर हम देखें कि पिछले 10 सालों में म्यूचुअल फंड ने कितना प्रोग्रेस किया, ये हमने एम्फी की वेबसाइट से लिया है. इसको आप ये देखो, 2010 से लेकर के आज की डेट में, यू नो दिस चार्ट इज गोइंग अप एंड अप. ये हमारा एसेट अंडर मैनेजमेंट है, इसकी कितनी ग्रोथ, इट इज ऑलमोस्ट यू नो मोर देन, इट इज अप्रोक्सीमेटली 5 times इन लास्ट 10 ईयर्स. हमारी जो भी ग्रोथ है, यहाँ से 2010, आप जो हम एरो दिखा रहे हैं 2010 से होते हुए, और यू सी 2017 से बड़ा मैसिव जंप आया. ये डेटा आपका जून 19 तक का है, उसके बाद अभी एम्फी ने को जून 20 में इसको अपडेट करेंगे. तो ये यू कैन सी कि इट इज ऑलमोस्ट इन लास्ट 9 ईयर्स जो ग्रोथ हुई है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, इट इज ऑलमोस्ट 5 times. और इससे ये चीज शो होती है कि इस इंडस्ट्री में कैरियर प्रॉस्पेक्ट कितने ब्राइट हैं, कितने स्ट्रांग हैं. इंडस्ट्री साइज अगर हम बात करें, टोटल 44 एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी टोटल 44 म्यूचुअल फंड्स हैं इस समय इंडिया में जो ऑपरेट कर रहे हैं. नंबर ऑफ स्कीम अप्रॉक्सीमेटली 1940, रफली यू कैन से 2000 के करीब म्यूचुअल फंड स्कीम मार्केट में ऑपरेट होती हैं, जिसमें इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है. अगेन अगर हम इसे साइज में कंपेयर करें, तो हमारे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है वो हमारे देश की जीडीपी का अप्रॉक्सीमेटली 17% है. अगर बैंक डिपॉजिट से कंपेयर करते हैं, तो अगर हमारे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है वो रफली 23 अप्रॉक्सीमेटली 24 लाख करोड़ है,
टोटल बैंक डिपॉजिट ऑफ ऑल बैंक्स पब्लिक प्राइवेट मल्टीनेशनल इंडिया में 117 लाख करोड़ एज ऑन जून 19। तो हम ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में टोटल बैंक डिपॉजिट का अप्रॉक्सिमेटली 20% अमाउंट इन्वेस्टेड है। जैसा कि इन्वेस्टर के लिए कहा जाता है ना, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। कुछ आप बैंक डिपॉजिट में रखते हो, कुछ म्यूचुअल फंड में लगाते हो, कुछ स्टॉक मार्केट में लगाते हो। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड का एजेंट बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। कोई भी म्यूचुअल फंड इंडिविजुअल को या किसी बैंक को या किसी भी एनबीएफसी को अपना डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर सकता है। और डिस्ट्रीब्यूटर का अपॉइंट करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम आपकी बात करें, हम बैंक या एनबीएफसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम अगर बात करें कि कोई भी इंडिविजुअल अगर म्यूचुअल फंड का एडवाइजर बनना चाहता है, इसमें एक चीज और भी है कि जैसे इंश्योरेंस कंपनीज में होता है कि अगर एक आदमी किसी पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी का एडवाइजर बन गया तो दूसरी कंपनी का एडवाइजर वो नहीं बन सकता। मगर म्यूचुअल फंड में ये बात नहीं है। देयर आर 44 म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। एमफी सर्टिफिकेशन के बाद, एआरएन कोड लेने के बाद कोई भी इंडिविजुअल चाहे तो सारे म्यूचुअल फंड्स का एडवाइजर बन सकता है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एंड ही कैन सेल ऑल म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड कंपनीज इन इंडिया। तो उसके लिए सबसे पहला क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम होता है जो एडवाइजर बनने के लिए होता है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम के लिए इसको एनआईएसएम कंडक्ट कराता है। उसमें आपको वो ये डेली बेसिस पे होता है, जो भी कैंडिडेट होता है उसको अपने को उसमें रजिस्टर कराना पड़ता है। डेट आ जाती है, ही गोस फॉर एग्जाम। क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ एज क्वालिफिकेशन, मिनिमम ग्रेजुएशन, पैन कार्ड उसके पास होना चाहिए और एग्जाम नो नेगेटिव मार्किंग, 100 क्वेश्चंस होते हैं, मिनिमम पास मार्क्स इज 50%। मींस अगर आपने ठीक से तैयारी की हुई है, जो कि म्यूचुअल फंड में इतना मुश्किल नहीं होता है, तो यू कैन इजीली गेट सर्टिफाइड बाय म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम। एक बार जब आपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपको एआरएन कोड अलॉट होता है। एआरएन मींस एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर। इस एग्जाम को पास करने के बाद एमफी जो है, जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट करता है, दैट इज नोन एज एआरएन नंबर। और एआरएन नंबर लेने के बाद नाउ यू आर फ्री। आप कहीं भी किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं टू एंगल से। अगर आप, पहला एंगल है अगर आप उनके डिस्ट्रीब्यूटर, उनके एडवाइजर या एजेंट बनना चाहें तो वो सीधे आपको बहुत आसानी से एआरएन नंबर की बेस पर दे विल गिव यू, अपना एजेंसी कोड आपको दे देंगे, अपना एजेंट बना लेंगे एंड यू कैन स्टार्ट मार्केटिंग ऑफ देयर म्यूचुअल फंड। और जैसा हमने कहा, आप एक म्यूचुअल फंड के अलावा आप जितने म्यूचुअल फंड के एजेंट बनना चाहें सबके बन सकते हैं। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, रिलायंस, एक्सिस, बिरला सन लाइफ, जहां पे एजेंट बनना चाहें यू कैन बिकम देयर एजेंट। दूसरा है, अगर आप कोई म्यूचुअल, क्योंकि म्यूचुअल फंड बैंक भी सेल करते हैं और म्यूचुअल फंड कंपनी की मार्केटिंग करते हैं, तो म्यूचुअल फंड कंपनीज, जैसे हम एग्जाम्पल ने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडी म्यूचुअल फंड अपने यहाँ ऑफिसर्स को रिक्रूट करता है, मार्केटिंग ऑफिसर्स, या एचडीएफसी बैंक भी अपने म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट को सेल करता है, दैट इज नोन एज क्रॉस सेलिंग। तो एचडीएफसी बैंक भी म्यूचुअल फंड के मार्केटिंग के लिए ऑफिसर्स अपॉइंट करता है, दे आर नोन एज रिलेशनशिप मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर, जो भी वो उसको डेजिग्नेशन दें। तो अगर एआरएन नंबर लेने के बाद कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल किसी बैंक को या म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करता है तो वो उसको एक EUIN नंबर देता है। EUIN मींस एम्प्लॉई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्योंकि वो उसका वो एम्प्लॉई है। तो ये थे आपके कैरियर प्रोस्पेक्ट्स। इसमें जो लोग म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में,
जो भी म्यूचुअल फंड को अगर किसी कंपनी को डायरेक्ट ज्वाइन कर रहा है म्यूचुअल फंड को या बैंक को, तो जो भी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी रेंजेस फ्रॉम 25,000 to 30,000 पर मंथ एंड देन इट डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस, उसमें परफॉर्मेंस बोनस भी होता है जो कि आपकी सैलरी का कई कई गुना होता है, डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस। उसके अलावा एक टारगेट अचीव करने के बाद जो है फॉरेन की ट्रिप भी मिलती है, विद इन इंडिया भी ट्रिप घूमने को दिया जाता है, फॉरेन की ट्रिप भी मिलती है। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपने कितनी टारगेट को अचीव किया हुआ है। और अगर आप एक एज एजेंट ज्वाइन करते हैं, एज एजेंट ज्वाइन करने में भी आपको ट्रेड कमीशन मिलता है जो कि एक सब्सटेंशियल अमाउंट होता है। इट डिपेंड्स कि आप कितने फंड को मोबिलाइज करते हैं। हमारे यहाँ कई एजेंट हैं जिनकी की एनुअल इनकम 50 लाख या उससे ऊपर है। अफकोर्स वो 5 या 6 म्यूचुअल फंड या में भी 7-8 म्यूचुअल फंड के लिए काम करते हैं, मगर उसमें इट डिपेंड्स कि हाउ मच डेडिकेटेड यू आर, क्योंकि आज के जमाने में म्यूचुअल फंड इज अब एस्टेब्लिश हो चुका है। आपको जान के ताजुब होगा कि इंडिया में स्टॉक मार्केट में सिर्फ हमारी पॉपुलेशन का 4% ओनली 4% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, बाकी लोग जो है दे आर इन सर्च ऑफ सेफ इन्वेस्टमेंट्स बैंक डिपॉजिट, और म्यूचुअल फंड में बैंक डिपॉजिट से अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। इट डिपेंड्स अपॉन यू योर मार्केटिंग स्किल्स, या आप कितनी आसानी से आप अपने कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं। और एक चीज और भी ध्यान है, अंडर कोड ऑफ एथिक्स मिस सेलिंग कभी मत करिए, उससे आपका ट्रस्ट मार्केट में इन्वेस्टर में टूटता है। जो स्कीम देयर आर सो मेनी स्कीम्स, जैसा भी हमने आपसे डिस्कस किया म्यूचुअल फंड में हर टाइप के इन्वेस्टर के लिए हर टाइप की स्कीम, जो स्कीम उसको आपको लगता है कि उसको सूट करेगी वही स्कीम आप सेल करिए, तो देयर इज नो एंड ऑफ इनकम। और एक चीज और भी है, आज के जमाने में जैसे लॉकडाउन चल रहा है या इसके बाद जैसे मैंने कहा लाइफ क्या चेंज होगी, वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट आएगा, या ये भी एक इवन इफ इट इज ओपन नॉर्मल सिचुएशन के बाद भी मेरे ख्याल से वर्क फ्रॉम होम जो है इट हैज कम इन द वर्ल्ड टू स्टे, लोगों को ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो म्यूचुअल फंड में यू कैन ऑल्सो वर्क फ्रॉम होम, अगर आप बाहर नहीं निकलना चाहते, इफ यू आर ए हाउस वाइफ यू आर ए लेडी आपको बाहर निकलने में ना थोड़ा सा वो है, तो हर एक म्यूचुअल फंड के पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म वो आईडी पासवर्ड शेयर कर लेते हैं अपने एजेंट के साथ, उसमें आपको जो भी इन्वेस्ट कराना है, यू आर सिटिंग इन दिल्ली या नोएडा और आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी इन्वेस्टर को कन्विंस करके उससे ऑनलाइन इन्वेस्ट करा सकते हैं, आपका कोड उसमें आ जाएगा एंड यू विल गेट अ कमीशन फॉर दैट। तो दिस वाज इन ब्रीफ आवर प्रेजेंटेशन। अब आपके चैट्स का मैं जवाब दे रहा हूं, आपके जो भी क्वेरीज है। पहला है मेगा सतीजा का, What type of card we require for exam? Card means, you know, आपको पहले तो एक म्यूचुअल फंड का सर्टिफिकेशन कोर्स करना पड़ेगा जिसमें कि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि what type, ये तो हमने आपको बड़ा ब्रीफ में बताया, 40-45 मिनट का समय था मेरे पास, बड़ा लिमिटेड समय था जिसमें कि मैंने आपको कोशिश किया कि स्कीम की इंफॉर्मेशन के बारे में एक बहुत ही ब्रीफ समराइज म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताया है। आपको एग्जाम के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है, 10 या 12 घंटे का कोर्स करना पड़ता है एंड उसमें तो 100 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। वी हैव गॉट अप्रोक्सीमेटली 5000 क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक, तो उसमें हम आपको उसमें ट्रेन करते हैं। और एग्जाम के लिए आपको NISM की साइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उनकी जो फीस है वो पे करनी पड़ती है। अगला सवाल है नीति का, इफ आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन आई कैन नॉट गिव इंफी एग्जाम। इफ यू आर परसुइंग ग्रेजुएशन, तो जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा देन यू कैन अपीयर फॉर द एग्जाम।
or if I have Megha Satija ka question hai, or if I have knowledge of 70%, so what the next step I have to take? I presume ki aapko mutual fund ki 70% knowledge hai. You know, Hindi mein dawat hai, adajal gagri chalkat jaye. Aapko knowledge 100% honi chahiye. Why you are talking about 70%? You should have more than 100% knowledge. Kyunki you know, aaj ka jo financial world hai, financial area hai, it ye daily basis pe update hota rehta hai. Repo rate, pata chala change ho gaye, SLR, CRR, you know, everything. Hum log bank mein the, bank mein daily basis pe hamare circular, hamare instructions change hote rehte hain. RBI, Government of India, Ministry of Finance, inke instructions daily basis pe change hote hain. So 70% knowledge, I'm sorry to say, I don't agree with 70% knowledge. You should have 100% and updated knowledge. You use two words. 100%, number one, 100% knowledge, and number two, updated knowledge. So I think Megha Satija, I am of the opinion that your knowledge should be two types. Number one, 100%, and number two, updated knowledge. And updated knowledge, ke liye, you have to continuously update yourself about jis bhi area mein aap hain, chahe aap business mein ho, chahe financial sector mein ho, chahe aap technical sector mein ho, even if you are a physician, aapko apni knowledge update karne ki zarurat hai. Mohit Kumar says, yes, past graduation, yes, 18 years of age, annual graduation, you can appear for MPhil certification exam. Ab Megha Satija ka hi question hai, I have 70% knowledge of mutual fund, 70% knowledge, I doubt. You should have 100% knowledge and updated knowledge. Because I again repeat, percentage of knowledge, it is not a concept. ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने एग्जाम में 70% ले लिए. You know, एग्जाम पास करना एक अलग चीज है. जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब हमने ये चैप्टर तो पढ़ा नहीं था तो इस चैप्टर का हम जवाब नहीं दे सकते. आपके नॉलेज 100% और अपडेटेड. आई रिपीट, हृदय शुक्ला का है, आरबीआई इशूड आरबीजी ऑन 20th अप्रैल, एज एन एनआरआई कैन ज्वाइन एसबीजी, आर वी कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड गोल्ड. यस, एनआरआईज कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स, ओनली वन टाइप ऑफ पर्सन कैन नॉट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, दैट इज फॉरेन नेशनल्स, एफआईआईज, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज, एनआरआईज, एवरीबॉडी. यू कैन टॉक टू एवरी, you can mobilize mutual fund from anybody other than foreign nationals. NRIs can invest. How much return of investment of same SBG today? Gold scheme. You know, ये तो gold में वो दो तरह से आपके investment को वो देते हैं. एक तो fixed return होता है, plus जो I think 2 or 2.5% approximately होता है, plus gold के price के जो appreciation होता है. In this market situation, which is the better for an NRI investor? You know, ये हृदय शुक्ला का question है. Market situation, market is very volatile. मगर एक चीज हमने जैसे पहले कहा, market का volatile नहीं थी. Of course, corona के बाद, इस pandemic के बाद, शुरू के 6-7 दिनों में market बहुत जम के गिरी है, but now it is slightly improving. तो अगर आप ये चाहते हैं तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि एक म्यूचुअल फंड का एक होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP. SIP इज द बेस्ट प्लान फॉर एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टर, चाहे मार्केट इंप्रूव हो रही है, चाहे मार्केट डाउन हो रही है, चाहे मार्केट बूम है या इट इज बियरिश. सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी की एक ऐसी स्कीम है जो एवरग्रीन है. सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्टर हर महीने अपना एक फिक्स्ड अमाउंट लगाता है. तो अगर वो अप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा, मार्केट डाउन होती है, तो देयर इज वन वर्ड, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग. रुपी कॉस्ट एवरेजिंग से उसका लॉस कंपेंसेट हो जाता है. या अगर वो उसने लोअर डाउन मार्केट में लगाया, मार्केट हैज इंप्रूव, तो अगर उसने 5,000 रुपए लगाए हैं डाउन मार्केट में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में पर मंथ, तो जब मार्केट इंप्रूव कर रही है तो उसके इन्वेस्टमेंट प्लान की एनएवी इंप्रूव करती जाएगी. नीति का है, इफ आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन एग्जाम, यू कैन, आपका जब भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए देन यू कैन अपीयर, क्योंकि उसी के बाद आपको सर्टिफिकेशन के लिए देन यू कैन
work for any mutual fund or any bank. Another query from Abhinav Kumar. I have done my graduation and currently working in this mobile company as sales executive. I am eligible for set own career in mutual fund. Yes, yes. Even if you are working somewhere, you can become. अब आप एक साथ दो जॉब तो नहीं कर सकते, तो आप दूसरी कंपनी में तो नहीं ज्वाइन कर सकते, मगर अगर आप एमफी का सर्टिफिकेशन एग्जाम पास करने के बाद आप म्यूचुअल फंड के आप एजेंट बन जाएं, एडवाइजर बन जाएं, तो ये आप अपने साइड बिजनेस के तौर पे आप इसको हमेशा कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि जैसे हमने कहा वर्क फ्रॉम होम, और सबसे पहले तो आपके जो कंपनी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, यू आर ऑलरेडी अ मार्केटिंग पर्सन, तो चैरिटी बिगिंस एट होम। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं एजेंट बनने के बाद, म्यूचुअल फंड के एडवाइजर बनने के बाद, वहीं से अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस स्टार्ट करा दीजिए। मेघा सतीजा सेज शी इज वर्किंग विद अ डिस्ट्रीब्यूटर। वेरी गुड, यू आर वर्किंग विद अ डिस्ट्रीब्यूटर। अब इंडिपेंडेंट एडवाइजर और किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करने में बहुत बड़ा फर्क होता है मेघा। अगर हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम कर रहे हैं और हमने फंड मोबिलाइज किया है, तो जो भी कमीशन हमें मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर को, उसके साथ हमें शेयरिंग करनी पड़ती है। इट रेंजेस ऑन 30% to 40%। तो जो हमने काम किया है उसका पूरा कमीशन हमें नहीं मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने पास रखेगा सर्टेन परसेंटेज। मगर अगर हम इंडिपेंडेंट एडवाइजर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो जो हमारी मेहनत है, जो हमने फंड मोबिलाइज किया है, उसका 100% रेवेन्यू हमी को मिलेगा। I'm audible? Anybody? Yes, sir. Yes, okay. Sir. Okay. So, Megha, I think I had replied to you. अपने पैरों पे खड़ा होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है instead of working with somebody else, क्योंकि वहाँ पे आपको अपनी मेहनत का पूरा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। Yes, sir. You are already ready to give exam. Then go for it. Sharpen your skill. क्योंकि जैसे हमने कहा म्यूचुअल मतलब एवरी इन एनी इंडस्ट्री थिंग्स आर गेटिंग अपडेटेड। अपने स्किल को शार्प करो एनएपीएफ एग्जाम। ओके सर। अपडेट योरसेल्फ विद द लेटेस्ट इन म्यूचुअल फंड ट्रेंड, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। आई हैव क्वालिफाइड एनआईएसएम राइट नाउ एज ए बैंकर। कांग्रेचुलेशंस हृदय शुक्ला, एंड आई होप दैट यू ऑल्सो क्वालिफाई एज एमफी सर्टिफाइड प्रोफेशनल। It is 5A. Distributor program, you said, ask 5A or 5B. It is NISM 5A. I just confirmed, it is NISM 5A. आपको उसमें 5A में आता है distributor program. Is it good in working in NBFC? It is your choice. Because any profession, it is individual choice. If he's working in NBFC, work in NBFC. मगर मैं समझता हूँ कि NBFC अभी mutual fund में बहुत ज़्यादा active नहीं है. You can also become an advisor also. क्योंकि MFI certification जो हम pass करते हैं, एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जो हम MFI certification pass करते हैं, उसकी validity 3 years होती है. और 3 साल के बाद वो फिर रिन्यू होता है फॉर अनदर 3 years, देन अनदर 3 years. तो देयर इज नो हार्म इन हैविंग एन एडिशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. आई कैन से दिस इज नॉट एन दिस पासिंग ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम बाय एमफी एंड एन आईएसएम इज नॉट एन एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इट इज ए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. Again, one more question is, our bank is better for working. I can say it is your individual choice. Even अगर आप bank में भी काम कर रहे हैं, तो अगर आपने MFI distributor का MFI certification कर रखा है, तो ये आपके लिए added advantage है. जैसे कुछ students होते हैं जो bank में interview देने के लिए जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि भाई आपके पास additional qualification क्या है. तो if someone says कि he is MFI certified, तो सामने वाला जो इंटरव्यू बोर्ड है वो ये समझ जाता है कि ये इज डिफरेंट, हमें उसे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. क्योंकि अगर हम और किसी नए कैंडिडेट को लेकर के म्यूचुअल फंड मार्केटिंग में लगाते हैं, तो
हमें उसको 3-4 महीने उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी बैंक को या म्यूचुअल फंड कंपनी को, उसको हम एमफी सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए तैयार कराएं, फिर एग्जाम में बैठे, फिर वो हमारे लिए काम शुरू करें। क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड या कोई भी बैंक या कोई भी एजेंट जब तक उसके पास एमफी का सर्टिफिकेशन नहीं है तब तक वो म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता, इट इज मैंडेटरी। तो अगर आप बैंक में भी हैं तो आई विल सजेस्ट यू पास एमफी सर्टिफिकेशन एग्जाम, वो आपका एक एडेड एडवांटेज होगा। यू कैन ऑलवेज गो एट, तो आपके जो बैंक है वो आपको म्यूचुअल फंड मार्केटिंग में लगा देगा, विच इज वेरी स्पेशलाइज्ड एरिया। और आज के जमाने में म्यूचुअल फंड सेल करना इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क। अभिनव कुमार सेज, नवंबर 1999, कंप्लीट ओन ग्रेजुएशन 19। ओके, इसका तो मैंने जवाब दे दिया है। ओके, फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट द कोऑर्डिनेटर of Giri Saksham. I think you must have number of contact number of coordinator. Next question. Sir, there is a query of Hirdesh Shukla, Hima Kashyap or Binoy also. Yes, I'm seeing. What is Nifty? 50 or 30? Nifty is 50. Nifty ka matlab kya hota hai? NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो स्टॉक इंडेक्स होते हैं उसको हम निफ्टी कहते हैं। मीन्स उसमें 50 स्टॉक्स होते हैं जिनकी बेस पर की NSE का जो इंडेक्स होता है वो डिसाइड होता है। 30 BSE दैट इज नोन एज सेंसेक्स। सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स होते हैं, दैट इज नोन एज ब्लू चिप स्टॉक्स। कैन यू रिपीट अगेन एज एन NRI इन्वेस्ट इन SBG? SBG का आप हमें फुल फॉर्म बताएं, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं। स्टेट बैंक गोल्ड स्कीम, इसके लिए आपको ऑफर डॉक्यूमेंट देखना होगा कि ऑफर डॉक्यूमेंट में अगर SBG की में अगर NRIs के लिए है, क्योंकि हर एक वो कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए आपको ऑफर डॉक्यूमेंट चेक करना बहुत जरूरी है, एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो एज एन एडवाइजर ऑल्सो। तो आपको SBG का जो ऑफर डॉक्यूमेंट है उसमें आप देख लें कि क्या वो NRI या ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी आर दे एलिजिबल टू इन्वेस्ट। हेमा कश्यप हैज आस्क्ड, व्हाट एग्जैक्टली द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर डज ऑन ग्राउंड लेवल, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फंड मैनेजर। यू नो, फंड मैनेजर का बेसिक रोल होता है जो हम पब्लिक से पैसा मोबिलाइज करते हैं उसको वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ये किसी भी म्यूचुअल फंड के कॉर्पोरेट ऑफिस में होते हैं, और सारे म्यूचुअल फंड के कॉर्पोरेट ऑफिस मोस्टली दे आर इन मुंबई, तो दे आर बेस्ड इन मुंबई। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या म्यूचुअल फंड एडवाइजर या म्यूचुअल फंड एजेंट, ये जिसके लिए हम आपके एमफी सर्टिफिकेशन एग्जाम की बात कर रहे हैं, देयर रोल इज मार्केट टू मोबिलाइज द फंड्स। जब आप एमफी सर्टिफाइड हो जाते हैं देन यू मोबिलाइज द फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो है वो बेसिक काम है मार्केटिंग का, जिसके लिए उन्हें वो कमीशन मिलता है। और जब ये मार्केट कर लेते हैं उसके बाद जो पैसा मोबिलाइज होता है फंड मैनेजर उसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? Yes. If I have 5A and if I want to partner with other distributor, do I need to send for 5A and apply? अगर आपने 5A का एग्जाम पास कर लिया है तो आप चेक कर लीजिए कि आपके पास ARN नंबर है कि नहीं है। इसको आपको चेक करना पड़ेगा कि आप एमफी के साथ, क्योंकि एग्जाम पास करने के बाद एमफी के पास अपने को रजिस्टर भी कराना होता है। You have to check whether you have got ARN number or not. अगर ARN नंबर है देन यू कैन वर्क। मेगा सतीजा, इफ आई पास एमफी सर्टिफिकेट कैन आई ऑल्सो वर्क? व्हाई नॉट, कैन, इट इज एन एडेड क्वालिफिकेशन। यू हैव आस्क्ड कि अगर हमने एमफी सर्टिफिकेट ले लिया है तो कैन आई वर्क विद ए बैंकिंग कंपनी? यस, यू कैन ऑलवेज वर्क विद ए बैंकिंग कंपनी। यही मैं आपसे कह रहा था, दिस इज एन एडेड एडवांटेज टू यू कि अगर आप कहीं भी किसी बैंक में इंटरव्यू पे जाते हैं तो देयर टू कैंडिडेट्स, एक जिसके पास एमफी सर्टिफिकेट नहीं है, दूसरे के पास एमफी सर्टिफिकेट है, तो बैंक विल ऑलवेज गिव 100% प्रायोरिटी टू दैट कैंडिडेट
जिसके पास एमफी सर्टिफिकेट है। क्यों? क्योंकि वो उस कैंडिडेट को रिक्रूट करने के बाद वो डायरेक्ट उसको म्यूचुअल फंड की मार्केटिंग में लगा सकते हैं, जबकि दूसरा कैंडिडेट जिसके पास एमफी सर्टिफिकेट नहीं है उसको अगर उन्हें म्यूचुअल फंड की मार्केटिंग में लगाना है तो उन्हें उसके लिए पहले उसको पूरी म्यूचुअल फंड की तैयारी करा के 2-3 हफ्ते का कोर्स कराने के बाद उसको एग्जाम में बिठाएंगे, पास होने के बाद ही वो कर सकता है। तो इट इज ऑलवेज एन एडवांटेज इफ यू हैव एमफी सर्टिफिकेट। थैंक यू सो मच। ओके आई थिंक हृदय जी, आप जो सॉवरेन बॉन्ड गोल्ड स्कीम है उसका ऑफर डॉक्यूमेंट आप स्टडी कर लीजिए कि ऑफर डॉक्यूमेंट में है कि नहीं है। अगर है तो इन्वेस्टर्स एनआरआई कैन इन्वेस्ट। एनी अदर क्वेरी? नो सर। आपको जो भी डाउट है या जो भी अगर आपको अपने को रजिस्टर कराना है, प्लीज कॉन्टेक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ डिजी सक्षम